हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से क्रिकेट के मिक्सचर शो में स्वागत है। गाइस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ साउथ अफ्रीका के इंटरनेशनल क्रिकेटर राइली रुसु के T20 क्रिकेट यात्रा के बारे में, और उसके साथ में ही बताने वाला हूँ राइली रुसु कहाँ के हैं और किस टीम के लिए खेल चुके हैं और क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, इन सब के बारे में। इन सबको जानने के लिए आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। गाइस, तो आप सबको बता दूँ राइली रुसु का पूरा नेम राइली रोस्को रुसु है। गाइस, तो आप सबको बता दूँ राइली रुसु का जन्म 9 अक्टूबर 1989 को साउथ अफ्रीका के बोलफोर्मिनिया में हुआ, फ्री स्टेट में हुआ। गाइस, अभी राइली रुसु मात्र 32 साल के और काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। गाइस, तो आपको बता दूं राइली रुसु लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है और बॉलिंग राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। आपको साथ में यह भी बताते चलूं कि राइली रुसु टीम में टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। तो ये काफी खतरनाक बल्लेबाज है। डेविड मिलर के बाद कोई लेफ्ट हैंडेड काफी खतरनाक बल्लेबाज है तो वो राइली रुसु, और ये काफी पहले से टीम में एंट्री कर चुके थे लेकिन बट ज्यादा मौका मिला नहीं, में जगह ज्यादा बना नहीं पाते थे, इसके वजह से ये टीम से बाहर। लेकिन ये 2022 में काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे, T20 ब्लास्ट में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होने वाला जहां तेज पिच है उस पिच पे ये काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंग्लैंड में देख चुके हैं बल्लेबाजी, T20 ब्लास्ट में काफी पिटाई करते हैं, तो T20 वर्ल्ड कप में इनको काफी मौका मिलने वाला है, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से टीम 11 में रहेंगे ही रहेंगे, निश्चित है। दोस्तों, तो आप बात करते हैं कि राइली रुसु अभी तक किस किस टीम के लिए खेल चुके हैं और किस किस टीम के लिए नहीं खेले हैं। गाइस, तो आपको बता दूं इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका तरफ से खेले हैं, दमुल्ला गेम्स के लिए भी खेल चुके हैं, फ्री स्टेट के लिए खेले, खुलना टाइगर्स के खेले, मुल्तान सुल्तान PSL में खेले हैं, RCB के लिए भी खेल चुके हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए, IPL में साउथ अफ्रीका अंडर-19 के लिए भी खेले हैं। आपको ये बता दूं कि अब बसनीरा क्रिकेट ढूंढी के खिलाफ खेल चुके हैं, ईगल्स के खिलाफ हमशायर के लिए खेलते हैं, मेलबर्न रिंगर्स के लिए भी खेलते हैं, क्वेटा ग्रेलियर्स के लिए खेलते हैं, साउथ अफ्रीका ए के लिए खेलते हैं, सारे लीग खेल चुके हैं। दुनिया के जितने भी फेमस लीग है, IPL, PSL, बिग बैश, T20 ब्लास्ट, सारे लीग खेल चुके हैं, सारे लीग खेलते हैं, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है। गाइस, तो आपको बता दूं कि राइली रुसु T20 के इंटरनेशनल के 18 मैच के 17 इनिंग में 4 बार नॉट आउट रहे, 458 रन बनाए और हाईएस्ट स्कोर 96 रन है, और बैटिंग एवरेज 35.23 का जो काफ़ी अच्छा है, और स्ट्राइक रेट तो बहुत ही बेहतरीन है, 145.85 का, जो कि काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट माना जाएगा। तो आपको बता दूं राइली रुसु T20 लीग में 255 मैच के 246 इनिंग में 38 बार नॉट आउट रहते हुए 6563 रन बनाए और हाईएस्ट स्कोर 112 रन नॉट आउट रहा है। आज राइली रुसु के बैटिंग एवरेज 31.55 का, जो कि काफ़ी अच्छा, और स्ट्राइक रेट 142.79 का, जो कि काफ़ी अच्छा। और गाइज, आपको यह भी बता दूं, ये काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज काफ़ी अच्छे हैं, जो साउथ अफ्रीका को काफ़ी दशक से लेफ्ट हैंड एक अच्छा टॉप ऑर्डर में बल्लेबाज नहीं था। फिनिशर के रूप में डेविड मिलर तो है ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेकिन राइली रुसु जैसा कोई बल्लेबाज नहीं था। गाइज, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी गलतियों को माफ़ कीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।